जो है ये आपका जो है बहुत पुराना मेला है, भरत मिलाप का जो है ना। फाइनली इसको स्टार्ट कर दिया गया है। अभी आपको 2-3 घंटे बाद देखने को मिलेगा क्यों। और ये वाला लाइट अगर देखा जाए तो काफी बेस्ट लाइट है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी इस समय मैं हूँ प्रयागराज के हडिया मार्केट में, और हर साल की तरह इस साल मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे झांकी लाग और मेले का आप लोग भी दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे बगल में आप लाइटिंग देख रहे हैं, काफ़ी यहाँ की जो लाइटिंग की जाती है काफ़ी बेहतरीन की जाती है, बहुत ही खूबसूरत किया जाता है। और देख सकते हैं बहुत यहाँ पर दुकानें भी लगी हुई है, दिख रहा है आपको दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पे तमाम लोग हैं, इधर भी दिखाना चाहूँगा, आइए थोड़ा सा पास में दिखाने। और भाई साहब क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम ओम प्रकाश बिंद जी है। क्या कहना चाहेंगे मेले के बारे में? मेला सर जी जो है ये आपका जो है बहुत पुराना मेला है, भरत मिलाप का जो है ना बहुत पुराना मेला है, बहुत अच्छा मेला लगता है। कितने सर यहाँ से? कम लमसम हमको 15 से 20 साल मैं बदला नहीं सर, चेंजिंग हर साल की तरह हर बार चेंज होता है। जो झांकियां नहीं होती हैं, अच्छी अच्छी झांकियां जो होती है बहुत अच्छी अच्छी जो है प्रदर्शन करते हैं इस मेले में। बहुत दूर दूर के लोग जो है आते हैं देखने के लिए इस मेले में, ये हड्डियाँ का हमारा जी। क्या नाम होगा चाचा जी आपका? हमारा सर है सुरेश सोनी। क्या कहना चाहेंगे मेले के बारे में, कुछ कहना चाहेंगे? आज हंडिया में मार्केट में मेला लगा हुआ है, हंडिया का मेला बहुत अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास नंबर एक है, बड़ी दूर दूर के आदमी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। लाइटिंग अगर बात करें, लाइटिंग अभी यहाँ बेहतरीन किया जाता है। अभी लाइटिंग और लगेगा, कल से और लगेगा, अभी वो है रोशनी है ना, कल रोशनी है। अच्छा। कल रोशनी है, आज भरत मिलाव है, काफ़ी आदमी आएंगे, कल देखना और आएंगे, बहुत काफ़ी आदमी आएंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 दिन का महत्व है क्या? हाँ 2 दिन का मेला है ना, आज तो बम्फर होगा, कल और बम्फर होगा। अच्छा, कल और ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा काफ़ी होगा है। अच्छा, इसके बाद वहाँ के हनुमानगंज का है भरत मिलाव है, परसों भरत मिलाव हनुमानगंज का। 3 तारीख को है ये, परसों है परसों। अजी भाई साहब क्या नाम होगा आपका? जी मेरा नाम शुभम है। शुभम नाम है जी। जी आप लोग यहीं से हैं? जी हाँ, हमारा घर यहीं पर है। तो आप कितने साल से मेला देख के चले आ रहे हैं? हमें तो अभी 4-5 साल से, क्योंकि हम लोग यहीं पढ़ते हैं तो हमेशा मेला देखते रहते हैं, हमारे लोग तो घर यहीं पर है। और काफ़ी अच्छा लगता है कि हर वर्ष यहाँ पर मेला लगता है, काफ़ी मतलब हमारे यहाँ के जो जिंदे। क्या खास है मतलब इस मेले का खास अगर बात करें? खास बात तो अभी आपको 2-3 घंटे बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भरत मिलाप यहाँ पर होगा काफ़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, और उसके बाद काफ़ी झांकियाँ दिखाई जाएंगी, काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो आदमी आप लोग देखेंगे काफ़ी अच्छी अच्छी झांकियाँ जो कि काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पर दिखाई देंगे, वो लोग काफ़ी वो करेंगे। इस वीडियो में बने रहेगा लास्ट तक, आपसे जो भी यहाँ का भी होगा, झांकी होगा और भी जो डांस होगा, यहाँ पे डीजे बहुत सारा आया हुआ है, लाइटिंग जो की गई है वो भी सारा सीन दिखाने वाले हैं। हम लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पे डीजे जो कि कंपटीशन में आया हुआ है तैयारी हो चुका है, और कुछ ही टाइम में देखेंगे शुरू हो जाएगा। यहाँ का जो मेला लगा हुआ है उसको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आएंगे, अगर आप हंडिया में रहते हैं तो अच्छी तरह जानते हैं, जो नहीं जानते आप बताना चाहूँगा। यहाँ पे हनुमान जी की एक प्रतिमा देख रहे हैं, उसी के जस्ट नीचे एक गेट है, और अंदर जैसे जाएंगे आपको मुख्य स्थान यही है। चलिए अंदर चलते हैं, आपसे भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही मैं गेट से अंदर आता हूं, यहां पर मैं देख रहा हूं खाने पीने का बहुत सारा यहां पे दुकान हमें देखने को मिल रहा है, और अंदर आपको बताना चाहूंगा बहुत तरह तरह का मैं झूला देख पा रहा हूं। थोड़ा सा पास से आपको चल के दिखाने का प्रयास करता हूं। यहां पे सेल्फी पॉइंट लगाया गया है, आपसे बताना चाहूंगा ये मेले में मैं पहली बार देख रहा हूं। आप लोग अगर सेल्फी के शौकीन हैं तो सेल्फी वीडियो बना सकते हैं, राउंड सा घूमता हुआ 360 वीडियो आपको बना के देगा, जो कि शायद आपसे कुछ चार्ज लिया जाएगा। अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे, और भी आपको बहुत सारी जो सीन है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पर बच्चों के लिए एक और मैं देख पा रहा हूं, ट्रेन झूला दिखाई दे रहा है। यहां भी देख सकते हैं जंपिंग झूला लगाया गया है, मिकी माउस उधर आप देख सकते हैं, और स्टार ड्रैगन ट्रेन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और भी बहुत सारी सीन है आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लोग बने रहिएगा कहीं, इसके अंदर जो भी सीन है आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे का जो भी सीन है इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए बच्चे यहाँ पर इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं।
आप लोग देख रहे हैं सामने ब्रेक डांस झूला आपको दिखाई दे रहा है, और जस्ट बगल में जैसा कि मैंने बोला था ये झूला स्टार्ट होगा तो आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, और फाइनली इसको स्टार्ट कर दिया गया है। जैसे अंदर आए तो एंट्री पॉइंट है, अंदर घुसेंगे तो आपको खाने पीने से रिलेटेड दुकानें देखने को मिलेगा, और इस साइड जाएंगे तो झूले वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं तरह तरह का आपको यहाँ पे झूले देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मिकी माउस देख रहे हैं। तो फिलहाल आप सभी को मैंने अंदर का भी दिखा दिया है, कैसा यहाँ का नज़ारा है आप सभी ने देखा, कमेंट बताइएगा इसमें से आप सभी को क्या अच्छा लगा वो कमेंट बताइएगा। बाकी अब यहाँ से हम चलते हैं बाहर। फाइनली मैं अंदर से बाहर आ चुका हूँ और आप सभी को मैं बाहर का सीन दिखाने का प्रयास करूँगा। देख सकते हैं उधर काफ़ी बेहतरीन लाइट की गई है, अभी मैं पास दिखाऊंगा। यहाँ भी देख सकते हैं किस तरह से लाइट की गई है, यहाँ का जो लाइटिंग किया जाता है तो सबसे बताऊँगा सबसे अलग लेवल का किया जाता है। आप भी कैसा लग रहा है कमेंट कर बताइएगा किस तरह से यहाँ पे लाइट किया गया है और किस तरह से यहाँ पे क्राउड देखने को मिल रहा है। सबसे निवेदन है चलते फिरते नजर आए, मेले का आनंद उठाए, एक जगह भीड़ ना लगा गाड़ियों को जाने में, चलते फिरते का सीन आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं सामने जो लाइट की गई है, आप सभी कैसा लग रहा है कमेंट कर बताइएगा। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर पिछले साल भी लाइट किया गया था, काफ़ी बेहतरीन लाइट इस बार भी किया गया है। इस साइड आप देख पा रहे हैं अलग लाइट किया गया है, उधर की अगर बात करें तो अलग लाइट किया गया है। आइए थोड़ा सा पास चलते हैं आगे दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे मैं आगे बढ़ूँगा उधर काफ़ी डिफरेंट लाइट किया गया है, दिख रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चाहूँगा शाम का समय है, ठीक है शाम का समय है, अभी यहाँ पे सिर्फ लाइट ऑन किया गया है, बट जैसे कुछ टाइम बीतेगा यहाँ पे झांकी निकलेगा, डीजे साउंड भी आएगा और भी बहुत कुछ होने वाला है जो कि आगे मैं दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इधर की लाइट, देखिए इधर की लाइट कैसे की गई है, दिख रहा है आपको दिखाने में प्रयास करता है। आइए थोड़ा आगे चलते हुए दिखाते हैं आपको, देखिए और यहाँ बगल में देख सकते हैं दुकानें भी लगाई गई है। देखिए इधर रोड के इस किनारे देख सकते हैं बहुत दूर दूर जहाँ तक नज़र जा रहा है दुकान लगी हुई है। इस साइड भी देख सकते हैं आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मोस्टली यहाँ पे बच्चे आते हैं तो खिलौनों की दुकान यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, उधर भी देख सकते हैं दिखाई दे रहा है लोग। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है भीड़ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है दूर दूर। और जो लाइटिंग की मैं बात कर रहा था वहाँ से शुरू है, लगभग आधे एक किलोमीटर पहले शुरू था, और सबसे बेस्ट क्या मैं अभी इस स्थान पर किया गया है। आइए और आगे चलते हैं दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए अभी जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ देख सकते हैं यहाँ की लाइटिंग, देखिए किस तरह से किया गया है, दिख रहा है। और ये मार्केट है और मार्केट में देखिए किस तरह से यहाँ पे भीड़ अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी सुबह टाइम मैं इस रास्ते से निकला था तो कुछ अलग नज़ारा था, लेकिन सब कुछ बदल गया है। और आप सभी जानकारी बताना चाहूँगा, आज है 5-6 नवंबर तक ये प्रोग्राम चलने वाला है, आज झांकी वगैरह होगा, कल भी बताया जा रहा है कि लाइटिंग का कंपटीशन होगा ऐसा बताया जा रहा है, डीजे कंपटीशन होगा और भी बहुत कुछ होने वाला है। आइए थोड़ा पास में और देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा, दिखाइएगा इधर की किस तरह से किया गया है, दिख रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ देखिए इस साइड घुमाइए जरा कैमरा पीछे, देखिए तो इधर मिल रहा है, देखिए उस साइड दिखाई दे रहा है उधर की लाइटिंग कैसी देखने को मिल रही है, और इस साइड की अगर बात करें तो उधर का कैसा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं डीजे साउंड और भी साउंड लगाया गया है, दिख रहा है इधर दिखाई दे रहा है और भी आगे लगाया गया है, इस साइड भी लगाया गया है। और बताना चाहूँगा आगे बढ़ेंगे वहाँ डीजे साउंड लगाया गया है। आइए और थोड़ा आगे चलते हैं दिखाने का प्रयास करते हैं। और देख सकते हैं अभी जैसा कि बताया शाम का समय है, ठीक है देखिए इस साइड भी देख सकते हैं इस रोड के बीचों बीच बहुत सारी दुकानें आपको देखने मिलेगा। इधर से लाइटिंग जो देख रहे हैं काफ़ी अलग लेवल किया गया है, ठीक है आपको दिखाई दे रहा होगा, उधर दिखाई दे रहा है जो मैं साउंड की बात कर रहा था, साउंड दिखाई दे रहा है। आइए और आगे बढ़ते हैं उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे मंच बनाया गया है, दिखाई दे रहा है मंच बनाया गया है, और उस मंच पे जितने भी फंक्शन होगा लोगों को सम्मानित किया जाएगा, दिख रहा है जिसने भी झांकी आएगा डांस होगा लोगों को सम्मानित किया जाएगा, और कहीं ना कहीं गेस्ट का सम्मान किया जाएगा, ठीक है। और तैयारी होने लगा है, और आइए आपको साउंड सेटअप दिखाते हैं, डीजे सेटअप दिखाते हैं, ठीक है आइए और थोड़ा आगे चलते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट कर बताइएगा आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और हो ही रहा है कल भी होगा, तो आप लोग दोनों दिन रहेंगे नहीं रहेंगे ये बताइएगा। आप सभी को इस मेले में क्या अच्छा लगा वो भी हमें कमेंट बताइएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इधर का जो लाइटिंग है चेंज हो चुका है, देखिए, ठीक है, यहाँ साउंड लगाया गया है और ऐसे 50 मीटर पे ऐसे साउंड देखने को मिलेगा। और आगे जैसे बढ़ रहा हूँ देख सकते हैं, अब धीरे धीरे पब्लिक भी आना शुरू कर दिया है और 1 से 2 घंटे बाद देखेंगे यहाँ पे झांकियाँ निकलना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि बताया, देखिए अब यहाँ की अगर लाइटिंग की बात करें, यहाँ की लाइट किस तरह से डिफरेंट है, आपको मैंने बताया कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे लाइट चेंज देखने को मिला। देखिए आगे जाएंगे तो और लाइट चेंज देखने को मिलेगा। एक बार फिर से मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, दिखाइए जरा, देखिए किस तरह से यहाँ की लाइटिंग की देखने को मिल रहा है, दिख रहा है, हर 25 से 50 मीटर की दूरी पे आपको डिफरेंट लाइट देखने को मिलेगा, दिख रहा है। और जैसे मैं शुरुआत में था तो हल्की फुल्की लाइट थी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और ये वाला लाइट अगर देखा जाए तो काफ़ी बेस्ट लाइट है। आप सभी को लाइटिंग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। यह मेला सबसे पहले भरत जी से मिलते हैं, उसी के उपलब्ध चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सभी को आगे का सीन दिखाते हैं, दिखाते हुए आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस साइड का अगर देखा जाए लाइटिंग काफी बेहतरीन किया गया है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग कमेंट कर बताइएगा आप सभी को लाइटिंग कहाँ का अच्छा लग रहा है, उस साइड लग रहा है, ये लग रहा है, या पीछे उधर देख सकते हैं उधर भी लगाया गया है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।